हेलो एवरीवन, मैं प्रवेश कुमार, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री, इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग, झारखंड। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिकल कंसेप्ट के अनुसार यदि हम लोग देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवित प्राणियों से मिलने वाले कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता था। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एटसेट्रा। अब यदि हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट की बात करें तो मॉडर्न कंसेप्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हुए कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। हाइड्रोकार्बन्स उसी का डेरिवेटिव्स मतलब उससे बने हुए कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी जिस ब्रांच में करेंगे हम लोग, वैसे ब्रांच को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब यदि हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स को मेनली ऐसा क्लासिफाई किया जाता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड। अल्केन मतलब वैसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो। अल्कीन मतलब वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलावे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो। और अल्काइन मींस दोज हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड होता है जिसके बारे में डिस्कस आगे हम लोग करेंगे। फिलहाल जाने कि बेंजीन इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड, सो बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब आगे का क्लासिफिकेशन यदि हम लोग देखें, यदि किसी कंपाउंड में या किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो तो वैसे कंपाउंड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे या सैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। अब यदि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलावे कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो वैसे कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। मतलब अल्केन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बट अल्कीन एंड अल्काइन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब हम लोगों ने अभी देखा हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। सो कार्बन जो है एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट है, मतलब कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाता है, जबकि हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, मतलब हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड मतलब एक ही बॉन्ड बनाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका है, इसमें से दो अभी हम लोग लिखे हैं, कंडेंस फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो कंडेंस फॉर्मूला में क्या होता है कि कंपाउंड्स में जितने भी एटम्स हैं तो सारे एटम्स को दिखाया जाता है, और जितने एटम है एटम का टाइप या एटम का नंबर सबको दिखाया जाता है, लेकिन एटम के बीच जो बॉन्ड है जनरली उसको नहीं दिखाया जाता है। जबकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में एटम्स और एटम्स के बीच का बॉन्ड सबको दिखाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए CH4, तो CH4 में हम देख रहे हैं कि इस कंपाउंड में एक कार्बन और चार हाइड्रोजन है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के बीच किस प्रकार का बॉन्ड है वह चीज दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में शो करेंगे। कार्बन सिंगल आइटम है, बीच में रहेगा, बाकी चार हाइड्रोजन है, तो चारों हाइड्रोजन को यहाँ सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे। फिर एक कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो CH3 में कार्बन मेन हो गया, तीन हाइड्रोजन यहाँ हम लोग जोड़ देंगे, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन, बीच में डबल बॉन्ड दिया हुआ है तो डबल बॉन्ड कार्बन, और फिर इससे दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। अब यदि इस टाइप का कंपाउंड हो, इस टाइप का कहने का मतलब कि ब्रैकेट में कोई स्पीशीज लिखा हुआ हो, तो याद रखें कि इस टाइप का कंपाउंड में ब्रैकेट के बाहर जो होता है वह मेन होता है, और ब्रैकेट में जो स्पीशीज होते हैं सबको एक ही कार्बन से अटैच किया जाता है। तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ कार्बन है, ये कार्बन को लिखेंगे। अब इस कार्बन में दो CH3 ग्रुप है तो दो CH3 ग्रुप को अटैच कर दिए, और बाकी दो क्लोरीन है तो दो क्लोरीन को यहाँ अटैच कर दिए। अब यदि इस कंपाउंड की बात करें हम लोग, CH3 का होल 3 C, CH2 का होल 3 CO CH, यहाँ दो टाइप का चीज दिखाई दे रहा है आपको, CH3 और CH2। तो यदि CH3 की बात करें तो CH3 में इस कार्बन का तीन बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन के साथ, मतलब एक बॉन्ड बचा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे मोनोवेलेंट। CH2 में इस कार्बन का दो बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन के साथ, तो बाकी दो बॉन्ड बच गया, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे डाइवेलेंट। तो CH3 एक मोनोवेलेंट ग्रुप हुआ, जबकि CH2 एक डाइवेलेंट ग्रुप। तो जब इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग, तो ध्यान में रखेंगे कि ब्रैकेट में यदि CH3 है तो जितना भी CH3 है सबको एक ही कार्बन से जोड़ेंगे, और यदि ब्रैकेट में CH2 है तो जितना भी CH2 है उसको उतना एक के बाद एक लिखते जाना है सिंगल बॉन्ड से।
तो CH3 यदि है तो सारे CH3 को एक ही कार्बन में जोड़ेंगे, और यदि CH2 है तो CH2 को एक ही कार्बन में नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि जितना CH2 है उसको उतना बार एक के बाद एक आगे लिखा जाता है सिंगल कॉलम से जोड़ते हुए। जैसे ब्रैकेट के बाहर यहाँ कार्बन है तो इस कार्बन को लिख के फिर इससे 3 CH3 जुड़ा हुआ है तो 3 CH3 जोड़ दिए, ब्रैकेट में CH2 है 3 तो फिर 3 CH3 लिखेंगे 1 2 3, और अब यहाँ COCl2 तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और एक क्लोरीन है तो क्लोरीन को यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। अब यदि हम लोग इस कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड में बहुत सारा ब्रैकेट दिया हुआ है, इतना सारा ब्रैकेट देख करके हराना नहीं है, बल्कि मैथमेटिक्स में जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं कि बहुत सारा ब्रैकेट आ जाए तो एक एक करके ब्रैकेट को हटाया जाता है, सेम तरीका यहाँ पे अपनाना है। CH3 का हो 3C पूरा वाला ऐसा ग्रुप 4 है और फिर यहाँ से अभी बताया कि यदि ब्रैकेट में कोई स्पीसीज दिया हुआ है तो ब्रैकेट के बाहर जो होता है वह मेन होता है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व करें। सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो उसको सॉल्व करते हैं, CH3 का हो 3C, इस बार ब्रैकेट के बाहर एक कार्बन है तो एक कार्बन मेन हुआ, इसमें 3 CH3 को जोड़ देना है 1 2 3, तो ये जो ग्रुप यहाँ लिखे इसका मतलब हुआ ऐसा, अभी ऐसा ऐसा टोटल 4 ग्रुप है और ये चारों ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब चूंकि ब्रैकेट के बाहर यह कार्बन है तो ये कार्बन मेन हो जाएगा, अब इस कार्बन में ऐसा ऐसा 4 ग्रुप हम लोगों ने जोड़ा है 1 2 3 4, ऐसा ये एक ग्रुप हुआ, दूसरा ग्रुप हुआ, ये तीसरा ग्रुप हुआ और ये चौथा ग्रुप हुआ। तो बेसिकली एग्जाम वगैरह में जब क्वेश्चन वगैरह आता है तो हमेशा कंडेंस फॉर्मूला से आता है, मतलब इस टाइप का आएगा, इस कंपाउंड को पहले स्टेप वाइज जो है काम करते हुए स्ट्रक्चर फॉर्मूला में बदलना होगा, तब इसका नाम लिखना हो चाहे जो भी काम करना हो वैसा हम लोग कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन में जो बात हमने बोला है या जो भी वीडियो में दिखाया है उसको ध्यान में रखना है ताकि आगे क्वेश्चन वगैरह बनाने में जो है आसानी हो। अब अभी हम लोगों ने देखा कंडेंस फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में, तो कंडेंस फॉर्मूला में जैसा हम बताएंगे कि इसमें एटम्स सारे दिखाई देते हैं लेकिन सभी एटम्स के बीच का बॉन्ड को नहीं दिखाया जाता है, कुछ कुछ बॉन्ड रहता है, बाकी बॉन्ड को ओमिट कर दिया जाता है। लेकिन जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं तो उसमें एटम्स और एटम्स के बीच के बॉन्ड सभी दिखाई देते हैं। तीसरा जो टाइप का रिप्रेजेंटेशन है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि इसमें एटम्स को जनरली नहीं दिखाया जाता, खास करके कार्बन और हाइड्रोजन को कभी नहीं दिखाया जाता है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा यदि कोई एटम हो ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह तो सबको शो किया जाता है। तो इस रिप्रेजेंटेशन में एटम्स दिखाई नहीं देते हैं लेकिन एटम्स के बीच जो बॉन्ड है चाहे सिंगल हो डबल हो या ट्रिपल हो उस बॉन्ड को जिगजैग लाइन से दिखाया जाता है, जैसे कुछ रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ देख करके रखा है। तो यदि कोई कंपाउंड को इस टाइप का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से दिखाया गया हो इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि लाइन में जो टर्मिनल पोजीशन होता है मतलब दोनों किनारा और जो लाइन जंक्शन है मतलब जहां पर दो लाइन जाकर के आपस में जुड़े हुए हैं, तो टर्मिनल पोजीशन और लाइन जंक्शन कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहां पे देखें टर्मिनल हुआ कार्बन, बीच में जो लाइन खींचा हुआ या सिंगल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड, फिर यहां मुड़ा हुआ है लाइन जंक्शन कार्बन, फिर यहां कार्बन और फिर किनारे में कार्बन, तो टर्मिनल और जो लाइन जंक्शन है वहां पे हम लोग कार्बन समझते हैं। अब अभी बताया कि कार्बन एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ करना क्या है कि प्रत्येक कार्बन का बॉन्ड काउंट करना है, यदि किसी कार्बन का 4 बॉन्ड है तो ठीक है उसमें कुछ नहीं करेंगे, और यदि कार्बन का 4 से कम बॉन्ड है तो जितना बॉन्ड कम है उतना उसमें हाइड्रोजन देंगे। फिर से रिपीट करते हैं, प्रत्येक कार्बन का बॉन्ड काउंट करेंगे, यदि कार्बन का 4 बॉन्ड है तो कुछ नहीं करना है, यदि 4 से कम बॉन्ड है तो जितना कम है उतना वहां हाइड्रोजन देंगे, उस हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं या डायरेक्टली हाइड्रोजन लिख सकते हैं कहीं भी। जैसे इस कार्बन के बॉन्ड की बात करें तो बगल में एक ही बॉन्ड है, होना चाहिए 4 लेकिन है 1, मतलब 3 बॉन्ड कम पड़ रहा है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन दिखाएंगे हम लोग, ऐसा सिंगल बॉन्ड से दिखा सकते हैं इस तरह से। इस कार्बन की बात करें तो यहाँ 2 ही बॉन्ड है तो 2 कम पड़ रहा है इसलिए यहाँ 2 हाइड्रोजन दिखाएंगे। इस कार्बन की बात करें यहाँ भी 2 ही बॉन्ड है तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन देंगे, और फिर इस कार्बन में एक ही बॉन्ड है तो यहाँ 3 कम पड़ रहा है इसलिए यहाँ पे हम लोग 3 हाइड्रोजन दिखाएंगे। अब यदि इस कंपाउंड की बात करें तो टर्मिनल लाइन जंक्शन कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीच में डबल बॉन्ड, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड और फिर किनारे में यहाँ डबल बॉन्ड। अब बॉन्ड काउंट करें, इस कार्बन का 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो 4 में से 2 है, 2 कम पड़ रहा है इसलिए यहाँ हम लोग 2 हाइड्रोजन देंगे, ऐसा
हाइड्रोजन को ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं या फिर ऐसे बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं। इस कार्बन की बात करें, एक दो तीन बॉन्ड है तो चार में से तीन है, एक कंपाउंडराइज में यहाँ लोग एक हाइड्रोजन देंगे, वैसे इस कार्बन में भी एक हाइड्रोजन देंगे, यहाँ दो बॉन्ड है तो यहाँ दो हाइड्रोजन। अगर इस टाइप के साइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो साइक्लिक कंपाउंड में कोई टर्मिनल पोजिशन नहीं होता है लेकिन लाइन जंक्शन है, तो लाइन जंक्शन में कार्बन दिखाएंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ कार्बन। इस कार्बन की बात करें, इसका दो बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ दो हाइड्रोजन होगा, ऐसा दो हाइड्रोजन ले लेंगे हम लोग। इस कार्बन का भी दो बॉन्ड है, मतलब यहाँ भी दो हाइड्रोजन होगा। अब यदि इस कार्बन की बात करें तो एक दो तीन चार, चारों बॉन्ड इसका बना हुआ है, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। इस कार्बन की बात करें तो यहाँ भी एक दो तीन चार बॉन्ड बना हुआ है, इस कार्बन में भी कोई हाइड्रोजन हम लोग नहीं अब कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का। तो यदि ऐसा कंपाउंड दिया हुआ हो, इंग्लिश का अल्फाबेटिकल लेटर है ए, तो अभी बताया जैसा कि लाइन जंक्शन और टर्मिनल पोजीशन पे कार्बन होना है, तो रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग, लाइन जंक्शन है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक बॉन्ड यहाँ आपस में भी बना हुआ है। अब हाइड्रोजन दिखाते हैं, तो इस कार्बन की बात करें तो एक और एक दो बॉन्ड बना हुआ है, तो दो हाइड्रोजन यहां देंगे। इस कार्बन की बात करें, एक दो तीन बॉन्ड है, मतलब एक कम पड़ रहा है, तो यहां एक हाइड्रोजन लिखेंगे। वैसे ही इस कार्बन की बात करें, एक दो तीन बॉन्ड, तो यहां भी एक हाइड्रोजन देंगे। इस कार्बन की बात करें तो यहाँ एक ही बॉन्ड है, तो इसमें तीन कम पड़ रहा है, इसलिए तीन हाइड्रोजन, और इस कार्बन में भी ऐसा तीन हाइड्रोजन। फिर इस कंपाउंड की बात करें तो टर्मिनल पोजिशन कार्बन, फिर लाइन जंक्शन कार्बन, लाइन जंक्शन कार्बन, फिर लाइन जंक्शन कार्बन, और ये टर्मिनल पोजीशन कार्बन। हाइड्रोजन दिखाते हैं, तो इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बना हुआ है, मतलब तीन हाइड्रोजन यहाँ शो करेंगे हम लोग। इसका दो बॉन्ड है तो दो हाइड्रोजन शो करेंगे, इसका भी दो बॉन्ड है तो यहाँ भी दो हाइड्रोजन दिखलाएंगे, इसका भी दो बॉन्ड तो दो हाइड्रोजन, इसका एक ही है तो चार करने के लिए तीन हाइड्रोजन दिखाना होगा। या यदि इस टाइप का कंपाउंड हो तो कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। बॉन्ड की बात करें उसका हाइड्रोजन दिखा करके, तो एक ही बॉन्ड है, तीन हाइड्रोजन देंगे यहाँ, इसका भी एक ही बॉन्ड है तो यहाँ भी तीन हाइड्रोजन देंगे, एक बॉन्ड है तो यहाँ भी तीन हाइड्रोजन देंगे, यहाँ भी एक बॉन्ड है, जैसा हम लोग तीन हाइड्रोजन देंगे। तो इस टाइप से ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का तीन तरीका हम लोगों ने देखा, कंडेंस्ड फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। जनरली आगे हम लोग ऑर्गेनिक में चैप्टर्स वगैरह पढ़ेंगे, उसमें बेसिकली कंडेंस्ड फॉर्मूला या फिर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को दिखाया जाता है, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रेयरली कहीं कहीं आता है। तो इस स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग अच्छे से सीख लें, आप लोग दो तीन बार इसको देखो वीडियो में, और फिर अपने से जो है कुछ कंपाउंड्स लिख करके इसको प्रैक्टिस करो। धन्यवाद।